गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा एलॉय साइड से, उनको ने क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर ध्यान से इधर इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी चार पांच बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ियां तो हमने देखी थी गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। जी देखिए, मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे ये अटैक हुआ है। जो सामने आप ट्रक देख पा रहे होंगे, उसके जो टायर हैं वहां पे बुलेट्स लगे हुए हैं। इसी सेना के ट्रक पे जो है कल हमला हुआ है। दो ट्रक थे और एक जो है राशन वाला ट्रक था, और दूसरा ट्रक जो है वो सामने जो आप देख सकते कुछ ही दूरी पे जो है वो ट्रक लगा हुआ है। तो यही वो स्पॉट है, और इस यहाँ पे जिस तरह से हमने टॉपोग्राफी देखी है, इससे साफ हो गया हमें, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो इतना खस्ता है कि यहाँ पे आप 5 या 10 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। इसका मतलब कि आतंकवादियों ने यहां रैकी की थी, प्लानिंग की थी कि यहां से जब वो हमला करेंगे तो ज्यादा स्पीड नहीं होगी जो आर्मी का जो कॉन्वॉय होगा, और ऐसे में उनके लिए हमला करना जो है वो आसान हो जाएगा। और जिस तरह की टॉपोग्राफी है और जिस जो मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने पिछले एक साल से, जब पिछले साल 1 जनवरी को डांगरी में हमला हुआ, उसके बाद कई ऐसे जो सेना के कॉन्वॉय पे जो है हमले हो चुके हैं। अब तक जम्मू रीजन में वापस आतंकवाद को रिवाइव कर चुके है पाकिस्तान और आईएसआई, और जिस तरह की सूचना जो है निकल के आई हो ये है कि जो ओजीडब्ल्यू जो पहले जो सरेंडर मिलिटेंट्स थे, जिन्होंने पहले सरेंडर कर दिया था, वो भी कहीं ना कहीं आईएसआई और पाकिस्तान के जो है कांटेक्ट में आ चुके हैं, और उनकी मदद से, क्योंकि जिस तरह की टॉपोग्राफी है, ऐसे में लोकल गाइड और लोकल मदद के बिना इस तरह की घटना को अंजाम देना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और ये वो ट्रक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसमें वो जवान जो है वो बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं कि जो बुलेट मार्क्स हैं, वो जो टायर हैं, वो चारों टायर जो है इस गाड़ी के वहां बुलेट्स लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ब्रस्ट हो चुके हैं। ये देखिए बुलेट्स, मैं आपको दिखाऊंगा, ये बुलेट्स यहां पे गिरी हुई हैं, ये बुलेट्स देखिए आप, ये बुलेट्स यहां पे गिरी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ जो है फायरिंग जो है आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे की। और ये अभी भी ये बुलेट्स के जो खोल्स हैं वो यहां जहां तहां आप देखें, यहां भी ये आप देख सकते हैं कि यहां पड़ा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चार आतंकवादी बताए गए हैं, वो चारों आतंकवादियों ने पहले ग्रेनेड फेंका, उसके बाद उन्होंने, उनकी प्लानिंग थी कि जब कॉन्वॉय रुक जाएगा उसके बाद ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो चलानी है, और ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज जो वो करनी है। और आपको टॉपोग्राफी दिखाऊंगा, ये जो एक नाला है वो ऊपर से आता है, और इस नाले में कई तरह के आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, यानी कि छुपने की जगह रही होगी, और यहीं पे वो छुपके बैठे होंगे और इसी इंतजार में होंगे कि कब ये सेना के जो ट्रक हैं वो यहां पे आएंगे और ये उस पर हमला करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रक की हालत है वो ये बताती है कि कितना जो बड़ा ये आतंकवादी हमला था। और इस तरह के हमले जो है अब जम्मू रीजन में वो तेज हो चुके हैं, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है।